नमस्कार दोस्तों, थवनेश बाबा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चांद पर सतह रखने वाला यानी कि चंद्रयान 2 की डिटेल के बारे में आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपकी ये घड़ी खत्म होने वाली है क्योंकि आज हम इस वीडियो में चंद्रयान 2 की सारी डिटेल्स बताने वाले हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रयान 2 के बारे में क्या कहा है और वैज्ञानिकों को क्या सलाह दी है, वो सब बातें आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 2 लॉन्च से लेकर अब तक का सफ़र हो या फिर प्रज्ञान और विक्रम के नामकरण का किस्सा या आगे मिशन चंद्रयान में क्या होने वाला है, ये सब जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में मिलने वाली है। आज देर रात विक्रम पर सवार 125 अरब फाब चंद्रमा की पथरीली धरती पर सपनीले रास्तों की बुनियाद रखेंगे। 6 चक्कों वाला प्रज्ञान जब विक्रम से विदा लेकर अपना रास्ता तय करेगा तब चांद की धरती छू लेगा। तो समझिए कि हम उस कतार में आ गए जहां दुनिया में चुनिंदा देश शामिल है। दोस्तों, ऐसे पल जीने का मौका सबको नहीं मिलता, सबको इतिहास बनते देखने का मौका नहीं मिलता, इसलिए हम खुशनसीब हैं जो उस लम्हे को जी पाएंगे जब अपना भारत चांद पर कामयाबी का मजबूत कदम चुपचाप रख देगा। इसरो ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी लाइव लैंडिंग देखे जाने की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि इसरो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी चंद्रयान 2 की लाइव लैंडिंग को देखा जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 में अंतर क्या है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण ने कहा है कि अगर आप चंद्रयान 2 की तुलना चंद्रयान 1 से करते हो तो बुनियादी अंतर यह है कि यहाँ हम सॉफ्ट लैंडिंग कर रहे हैं। पहली वाली लैंडिंग PSLV से की गई थी और यहाँ हम GSLV-MK का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास पहले से कहीं ज़्यादा पेलोड क्षमताएँ भी हैं। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम की चांद पर प्रस्तावित सॉफ्ट लैंडिंग से कुछ घंटों पहले ही इसरो अध्यक्ष के सिवन ने बताया है कि इस बहुप्रतीक्षित लैंडिंग के लिए चीज़ें योजना के अनुसार आगे बढ़ रही है। सिवन ने कहा कि हम इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, सब कुछ योजना के मुताबिक ही हो रहा है। इस क्षण की प्रतीक्षा इसरो के वैज्ञानिकों के साथ ही दुनिया को भी है। इसके साथ ही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। इसरो के चीफ के सिवन ने बताया है कि मिशन चंद्रयान योजना के मुताबिक ही आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जानकारी दी है कि चंद्रयान के लैंडिंग की प्रक्रिया बिल्कुल सामान्य गति से चल रही है। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों का दम देखेगी दुनिया, ऐसा मोदी ने बताया है। वो क्या बताया है वो हम सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान 2 मिशन की सफलता का गवाह बनने बेंगलोर में इसरो के केंद्र पहुंच गए। उनके साथ क्विज प्रतियोगिता के जरिए चुने गए 70 छात्र भी हैं। ये इसरो की टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क से सतह पर उतरने का नज़ारा देखने पहुँचे हैं। बेंगलोर रवाना होने से पहले नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी है। PM ने कहा है कि लोग चंद्रयान 2 की लैंडिंग देखें और तस्वीर क्लिक कर ट्वीट करें। PM ने कहा 130 करोड़ हिंदुस्तानी इस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। भारत और दुनिया एक बार फिर हमारे वैज्ञानिकों के दम को देखेगी। दोस्तों, चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम शुक्रवार देर रात 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। विक्रम के अंदर रोवर प्रज्ञान होगा जो शनिवार सुबह 5:30 से 6:30 बजे के बीच लैंडर के भीतर से बाहर निकलेगा। इस क्षण के गवाह बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलोर पहुँच गए हैं। CM BS येदियुरप्पा ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत भी किया है। दोस्तों, 1:04 पर क्या हुआ, चंद्रयान 2 की लैंडिंग के समय में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। पहले लैंडिंग का समय 1:55 था, अब यह 1:52 पर चंद्रयान 2 की लैंडिंग होगी। इसके पीछे की पूरी वजह नहीं पता चल पाई है। समय में बदलाव के पीछे तकनीकी कारण बताए जा रहे हैं। दोस्तों, 1:25 पर क्या हुआ, अब से बस कुछ ही देर में चंद्रयान 2 की चांद पर लैंडिंग होगी। इसरो के विशेष लाइव कक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है। यहाँ PM मोदी स्कूली बच्चों के साथ लाइव लैंडिंग देखेंगे। दोस्तों, 1:38 पर क्या हुआ, मिशन चंद्रयान 2 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो में बैठकर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। इसरो के वैज्ञानिक लगातार उन्हें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। भारत इतिहास रचने से महज कुछ कदम ही दूर है। दोस्तों, 1:49 पर इसरो कंट्रोल रूम में तनाव चरम पर है, जबकि देश भर में लोगों का रोमांच बढ़ता जा रहा है। सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसरो चीफ सिवन हर पल हर नज़र बनाए हुए हैं।
1:57 पर इसरो मुख्यालय स्थित स्टूडियो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकल चुके हैं। इधर चांद की सतह पर कदम रखने बढ़ा विक्रम लैंडिंग साइट की तलाश कर रहा है, जिसको लेकर देश भर में रोमांच चरम पर है। दोस्तों 2:08 पर क्या हुआ, चंद्रयान 2 से इसरो मुख्यालय का संपर्क आखिरी कुछ मिनटों में टूट गया है। इसरो चीफ के सिवन का कहना है कि चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही विक्रम लैंडर से हमारा संपर्क टूट गया। वैज्ञानिक फिलहाल आंकड़ों का अध्ययन करने में लगे हुए हैं। और दोस्तों 2:25 पर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, इसरो मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को हिम्मत देते हुए कहा कि आपने जो किया वह कम बड़ी उपलब्धि नहीं है, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप छोटी छोटी गलतियों से सीखते हैं, आपने देश की और मानव जाति की बड़ी सेवा की है। तो दोस्तों ये थी चंद्रयान 2 की सारी डिटेल कि चंद्रयान 2 अभी चांद की सतह पर पहुंचने से पहले ही 2 किलोमीटर पहले ही टूट गया है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में कुछ नया जानने मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।